नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। इस बार छठ पर सूर्य को अर्घ्य देते समय किन बातों का रखें ध्यान, छठ स्पेशल कालचक्र। जय हो छठी मैया। तो सूर्य उपासना का सबसे प्रसिद्ध और कठिन व्रत छठ शुरू हो चुका है और आज है संध्या अर्घ्य। कहते हैं इस कठिन व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की बहुत मान्यता है, इसलिए कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे छठ के वो महा उपाय जो बदल देंगे आपकी किस्मत। साथ ही छठ पर्व पर आज शाम का अर्घ्य और कल सुबह का अर्घ्य क्यों होगा सबसे खास और इससे क्या मिलेगा लाभ, ये तमाम जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज छठ स्पेशल कालचक्र की। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 01206625241। आज की चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 3:27 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र सुबह 7:26 तक था, उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो चुका है। सुकर्मा योग शाम 7:16 तक रहेगा, इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज स्कंद षष्ठी है, छठ पूजा का पावन समय चल रहा है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल रविवार है तो शाम 4:30 से 6 बजे तक, और गुलिक काल की बात करें तो दोपहर 2:51 से 4:14 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी विशेष प्रयोजन की यात्रा करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आइए अब छठ की महिमा के बारे में जानते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इसके महत्व के बारे में बताएं, महिमा के बारे में बताएं, और इसे लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। तो कैसे ये जीवन में एक अलग ही बदलाव लेकर आता है, ना सिर्फ व्रत करने से बल्कि अगर इस व्रत में जो लोग इसे करते हैं, जिसका आयोजन करते हैं, उसमें शामिल हो जाने से भी, ये बताएं। ठीक है, देखिए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर ये व्रत, ये पर्व मनाया जाता है। भारत में ये पर्व शुरू शुरू में बिहार प्रांत में प्रचलित था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे भारत में ये पर्व अपना पांव जमा रहा है और लोग बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ भारत के कोने कोने में छठ पर्व मनाते हैं। जहाँ पर भी संभव होता है लोग समूह में होकर के अर्घ देते हैं। नहाए खाए के साथ पवित्र छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को हो चुकी है। 29 अक्टूबर यानी कल खरना था और कल से छठ व्रत का शुरुआत था। आज सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और आज शाम 5:38 पर सूर्यास्त होगा और कल सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। षष्ठी देवी को शास्त्रों में ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। माँ कात्यायनी ही हैं छठी मैया। खष्टमम काल रात्रि तु महागौरी चाष्टमम। छठी मैया भगवान सूर्य की बहन हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया की उपासना करने वालों को 6 फायदे होते हैं, 6 मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विश्वास न हो तो आजमा के देख लेना। छठी मैया का पूजा करने से निःसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिलता है। जिनको संतान नहीं हो रहा है वो छठी व्रत मैया का व्रत करना शुरू करें, निःसंदेह उनके घर में किलकारी गूंजेगी। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं।
और उनके जीवन को खुशहाल रखती हैं। छठी मैया की पूजा से कई पवित्र यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि, धन संपदा और प्रेम के लिए भी छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से विवाह और करियर संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठी मैया के स्मरण से घर से निर्धनता दूर होती है, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से छठी मैया का व्रत करने से अनेकानेक मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनुष्य का जीवन सुखमय रहता है और सबसे बड़ी बात है कि छठी मैया का व्रत करने के बाद मनुष्य चिंता से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और कहते हैं कि छठ में अर्घ देने से बहुत ही लाभ मिलता है और इसका बहुत ही इसकी महिमा है अर्घ देने की। तो हम आपको राशि अनुसार बताएंगे कि अर्घ देने की जो विशेष प्रक्रिया होती है वो क्या होती है और आप अपने राशि अनुसार कैसे अर्घ दें जिससे आपको सूर्य भगवान की कृपा मिले। तो चलिए राशि अनुसार हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले आज छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें और दान क्या करें, पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है और आप महिला हैं और छठ व्रत कर रही हैं तो छठ पर्व में लोटे में जल, पीले फूल, हल्दी और तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा और तीन बार एक मंत्र बोलिएगा अगर हो सके तो। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण राय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण राय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण राय नमः और तीन बार में अर्घ दीजिएगा। छठ पर्व में तिल और गुड़ का दान अर्घ देने के बाद जरूर करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हाँ, नाम बताओ, प्रश्न पूछो। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, मैं निशा बोल रही हूँ सीतापुर से। जी निशा बोलो। पंडित जी मुझे मेरे दो सवाल हैं, मुझे अपने पापा और अपने भाई के बारे में जानना है। जी मेरे पिता 68 साल के हैं, उनकी जन्म तिथि नहीं पता है। पंडित जी वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसमें कब तक सफलता मिलेगी और प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहेगा या नहीं। और मेरे भाई की जन्म तिथि है 15 जनवरी 1999 रात के 12:20 पर। पंडित जी उसकी शादी कब तक होगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखो, जहाँ तक पिताजी के संपत्ति खरीदने की बात है तो निशा आपके पिता भाव का स्वामी सूर्य, उसे चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, सूर्य मंगल की स्थिति प्रश्नकाल में परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। अभी से लेकर के 6 महीने के अंदर कभी भी ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी निश्चित रूप से खरीद भी लेंगे, मन भी बना चुके हैं। भाई के बारे में जो तुमने प्रश्न किया है, छोटा भाई अगर है तो इससे दशम भाव का स्वामी मंगल शनि, दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। भगवान ने चाहा तो 45 से 90 दिन के अंदर इनके जीवन में भाग्योदय की शुरुआत हो जाएगी। और निशा, शनि सूर्य दोनों की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है, विवाह में अभी भी देर बनी हुई है। विवाह हो सकता है कि 2024 के अंत या 2025 के शुरुआत में हो। विवाह में जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इनके विवाह का योग भी नहीं बन रहा है। जय माँ विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जी हैं दिल्ली से। स्वागत है राकेश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे बेटे का नाम है वरुण, अभी 11th क्लास में साइंस ले रखी है इसने। मैं उसको आगे नीट कराना चाहता हूँ, जैसे उसके भविष्य बारे में बताइए और कौन से उसको लाइन में आगे मैं ले सकता हूँ कैरियर में। और दूसरा ये है कि मेरा भी घर बनने का चांस बनना है बैंक लोन पे, लेकिन थोड़ी पोजीशन टाइट चल रही तो क्या ये बन पाएगा। आपकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है, आप जो बोल रहे हैं अपने मुंह में ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। हाँ जी पंडित जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बेटे का नाम है वरुण, वो अभी 11th क्लास में साइंस स्टूडेंट है, तो उसको मैं नीट कराना चाहता हूँ, तो उसके कैरियर के बारे में बताइए कि वो डॉक्टर बन सकता है आगे या कोई और कैरियर उसके लिए भी सही रहेगा। और दूसरा, मेरा अभी घर बनने का योग बन रहा है तो क्या मैं ले सकता हूँ अभी बैंक लोन से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके पुत्र भाव का स्वामी रवि,
सूर्य शनि है और उससे उससे दसम भाव का स्वामी मंगल है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। शनि और बुध की चतुर्थ दशम स्थिति है। हाँ, आप अपने बेटे को नीट की तैयारी तो करवाइए, लेकिन नीट में सफलता न मिलने पर उसको निराश न होने दें, क्योंकि सफलता मिलने के आसार 5 से 10% हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाइएगा। रस रसायन औषधि उसका कार्य क्षेत्र होगा जिसमें वो सफल रहेगा। जहाँ तक आपके घर लेने का प्रश्न है, तो रवि जी मैं बताना चाहूँगा कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति है और बृहस्पति की स्थिति और चंद्रमा की लग्न में स्थिति घर लेने में आपको सक्षम बना रहा है। आप घर लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव ज़रूर मानिएगा, लोन भले अपने नाम पे लीजिएगा लेकिन घर अपनी पत्नी के नाम पे लीजिएगा। अपने नाम पे घर लेंगे तो लोन नहीं भर पाएंगे और घर बेचना पड़ेगा, इसलिए पत्नी के नाम घर लीजिएगा तो घर सुरक्षित रहेगा और आपकी उन्नति भी होती रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज छठ से जुड़ी सभी जानकारियां आपको पंडित जी दे रहे हैं, कैसे अर्घ देना है, कैसे पूजा अर्चना करनी है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने, बच्चों की तरक्की, नौकरी और कारोबार में बरकत के लिए आज छठ पर सूर्य को कैसे अर्घ दें और किस मंत्र का जाप जरूर करें, पंडित जी इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। दुर्गे स्मृता हरसि भी तिमसे सजंतौ, स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी, दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। सर्व मंगल मंगल्ये स्वे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता यज्ञ कार्य समुद्भवा। भैया एक बात तो अच्छी तरह से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, यस्यास्ति वित्तः स नरो कुलीनः स पंडितः स च एव वक्ता। अगर लक्ष्मी मैया का आंचल आपके सर पर है तो आप ही बुद्धिमान हो, आप ही गुणवान हो, आप ही विद्वान हो और आप ही धैर्यवान हो। और अगर लक्ष्मी मैया का आंचल आपके ऊपर नहीं है, लक्ष्मी मैया की कृपा दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, तो बहुत योग्य होते हुए भी आप निराश्रित व्यक्ति की तरह जीवन जिएंगे। तो लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहे, बच्चों की तरक्की होती रहे, नौकरी और कारोबार में उन्नति होती रहे, इसके लिए छठ पर्व पर आज शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद कल सुबह सूर्य को अर्घ देने से पहले ओम कं कामेश्वराय, ओम कं कामेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार मंत्र जप जरूर करना चाहिए। या फिर एक दूसरा मंत्र बता रहा हूँ, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देहि च पार्वती। फिर कहूँ, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र को भी 108 बार करिए। जो लोग अन्नपूर्णा माता के इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करते हैं, उनके घर में कभी खाद्य और रसद सामग्री की कमी नहीं होती है और उनके रसोई में बना हुआ भोजन चाहे दो चार लोग बढ़ भी जाएं तब भी नहीं कम होता है, इतनी बरकत होती है उस घर की महिलाओं के हाथ में। ये विश्वास करने वाली बात है। आप कहेंगे ऐसे भी चमत्कार होता है? हाँ, इस देश में अगर द्रौपदी के अक्षय पात्र से हजारों लोगों को भोजन कराया जा सकता है तो आज भी हमारे भारत में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने हाथ से अगर भोजन बना दें तो चाहे खाने वाले 5 बढ़ जाएं लेकिन भोजन नहीं कम होगा। उनके हाथ में इतनी बरकत होती है कि अगर उन्होंने किचन में हाथ लगा दिया, चूल्हे पर हाथ लगा दिया, तो फिर मुश्किल है कि कोई खाना ख़त्म कर दे। और कुछ ऐसी भी हैं जो चाहे कुबेर के भंडारे को छू दें उसमें भी आग लग जाएगी, 5 लोगों को ही कम पड़ जाएगा, सब चीज़ें अस्त व्यस्त और नष्ट हो जाएंगी। जिनका जैसा संस्कार है, जिनके जैसे विचार हैं, जिनका जैसा सोच है, उस तरह के उनके भाव हैं, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल
ऐसी महिलाएं भारत में हैं जो 100 लोगों को भोजन बना के 125 लोगों को खिला सकती हैं? नहीं, ऐसी भी हैं जो 100 को भोजन बना के 50 को भी संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। इसलिए अपनी प्रतिभा को ऊंचा उठाने के लिए आपको छठ मैया की भी पूजा करनी चाहिए, और अगर आप छठ मैया की पूजा करेंगी और छठ मैया को से अपने को यशस्विनी होने का आशीर्वाद मांगेंगी तो आपके हाथ में भी बरकत आ जाएगी, इसमें क्या संदेह है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो छठ से जुड़ी हुई उसकी महिमा, उसकी महत्ता के बारे में आपको लगातार पंडित जी बता रहे हैं, और राशि वार आपको बता रहे हैं कि आज अगर अर्घ आप दे रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें और दान में क्या करें? जी पंडित जी, तो चलिए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी राशि वृषभ है और आप महिला हैं, व्रत कर रही हैं, तो छठ पर्व में लोटे में जल, सफ़ेद चंदन, दूध, सफ़ेद फूल और तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा और क्या कहिएगा, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। छठ पर्व में तिल और ऊनी कपड़ा ये भी दान करिएगा, तिल से बना, तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई दान करने पर भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि व्रत करने वाली वो महिलाएँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर कोई महिला व्रत करने लायक नहीं है तो ये छठ मैया का व्रत ऐसा व्रत है कि अगर एक बार छूट जाए तो फिर नहीं पकड़ में आता है, फिर नहीं चालू किया जा सकता है। इसलिए जो महिलाएं व्रत करने लायक नहीं हैं उनके पति व्रत करते हैं और उनके पति उन सब नियमों का पालन करते हैं जो महिला करती है, और तब महिला का व्रत खंडित नहीं माना जाता है, अगले साल से फिर वो अपने व्रत कर सकती है। इसलिए हम बार बार वो महिलाएं कह रहे हैं, इसका आशय आप समझ गए होंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से हम ये भी जानते हैं कि छठ के इस महापर्व पर सूर्य भगवान की पूजा और अर्घ का क्या महत्व है, लाभ इससे क्या होते हैं, और आज के दिन जो लोग पूजा पाठ करते हैं और जो परवैतिन होती हैं, जो छठ करती हैं, उनकी सेवा में, प्रसाद बनाने में, अर्घ देने में, इन सभी का क्या लाभ मिलता है पंडित जी, इसके बारे में विस्तार से बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है अभिलाषा। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेय महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। चाहे जितना भी किसी को डिप्रेशन हो, चाहे जितना किसी को एंजाइटी हो, चाहे कितना भी बड़ा मानसिक रोगी हो, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर वो व्यक्ति सूर्य की उपासना करना ठान ले और सूर्य की उपासना करना शुरू कर दे, 24 दिनों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे रोग सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएंगे। इसीलिए प्राचीन भारत में सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का जप करना सभी के लिए अनिवार्य किया गया था। प्रातः संध्या और सायं संध्या का सृष्टि में विधान किया गया था। जो लोग पूजा पाठ धर्म कर्म के काम में लगे होते थे और प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं करते थे उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। प्रातः संध्या का तात्पर्य है कि सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ देना, प्राणायाम करना और गायत्री मंत्र का जप करना, ये प्रातः संध्या कहलाती है। और सायं संध्या में भी अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देना, प्राणायाम करना और गायत्री मंत्र का सूर्यास्त से पहले जप करना, ये सायं संध्या कहलाती है। दो प्रकार की संध्या का पूजन करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा होता है, उसको देख करके देवता भी उसे प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति दोनों समय की संध्या करता है उसका चरण स्पर्श एक बार कर लेने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ा आसान काम है, लेकिन 100 में एक आदमी आपको मिलेगा दोनों संध्या करने वाला, और हजारों में एक आदमी मिलेगा तीनों संध्या करने वाला। काम बहुत आसान है, लेकिन नहीं, माया जाल में फंसा हुआ इंसान नहीं करना चाहता है, उसको हर सुख चाहिए। उससे पूछ लीजिए तो ये बताएंगे,
पंडित जी, मैं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, आदित्य हृदय स्त्रोत भी पढ़ता हूँ, और मैं विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ता हूँ, मैं मतलब कि ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, लेकिन मेरा तो दिन कुछ नहीं बदला है। अरे रसना पाठ करना बंद करो, ये रसना पाठ है, जीभ का पाठ है, जीभ पाठ करती है, तुम्हारा मन पाठ नहीं करता है। जिस दिन मनसा पाठ होगा उस दिन सब मनोकामना पूरी होगी, 2 मिनट में होगी, 2 सेकंड में होगी, 2 क्षण में होगी। तो इसलिए सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं, आप जान लीजिए। अगर सूर्य भगवान 24 घंटे भी नहीं निकलते हैं तब भी वनस्पतियों पर असर पड़ जाता है। छठ पूजा में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल मिलता है। छठ पर्व में सूर्य को जल देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का मेरे पास आया, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट, उसके माता पिता साथ में आए। उस समय मैं विंध्यवासिनी में, विंध्याचल में रहता था इलाहाबाद से, और बच्चे की हालत बहुत सीरियस। उन लोगों ने कहा कि कल एग्ज़ाम है, और मतलब कि ये बहुत सीरियस हो गया है, हम लोग एग्ज़ाम ना दे कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी सेहत कैसे ठीक हो, उसको क्या हो गया है। हमने 1-2 मिनट बात किया, मुझे समझ में आ गया कि भयंकर लड़का इस समय डरा हुआ है। हमने तुरंत 12 ब्राह्मणों को बुला करके एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया, जिसको सूर्य शांति कही जाती है। ओम आ कृष्णे न रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृत्यंग च हिरण्ये न सविता रथे न देवो याति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का 31,000 जप करवाया, और विधिवत सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करके, सूर्य की स्थापना करके, नवग्रह मंडल का स्थापना करके, वरुण कलश की स्थापना करके, षोडश मातृका और चतुष्षष्ठी मातृका का स्थापना करके, सप्तघृत मातृका की स्थापना करके पूजा पाठ संपन्न करवाया। पूजा पाठ में 5-6 घंटे का समय लगा, और हवन होते ही आप विश्वास करिएगा, मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, इलाहाबाद का लड़का आज भी न्यायनगर में रहने वाला है, न्यायनगर में रहता है, जैसे करंट लगता हो ऐसे लड़का हवन से उठने के बाद, आप विश्वास करिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसने मुझसे कहा, रिश्ते में मुझे मामा कहता था, मामा जी अब आप कहिए तो मैं 5 एग्ज़ाम दे के आऊँ और 5ों एग्ज़ामों में टॉप करके आऊँगा, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है। मतलब इतना बड़ा चमत्कार सूर्य उपासना में, मैंने उसके पहले कभी नहीं महसूस किया था कि सूर्य की उपासना से इतना क्षण भर में परिणाम मिलता है। और प्रायः जो लड़के UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें परीक्षा के पहले एंजाइटी होना स्वाभाविक है, इंटरव्यू के पहले घबराहट होना स्वाभाविक है। उन सभी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है सूर्य की उपासना, और उसी सूर्य उपासना का पावन पर्व इस समय चल रहा है। सूर्य उपासना से आप बिल्कुल एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, आपका आत्मविश्वास आकाश चढ़ के बोलेगा तो बोलेगा। तो भैया छठ पर्व में जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जल सूर्य के अधिरक्षक देवता हैं, सूर्य की 2 पत्नियां हैं, प्रत्युषा और उषा। छठ पर्व में शाम को दिया गया अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को दिया जाता है, और छठ पर्व में शाम का अर्घ देने से संतान दीर्घायु होती है। षष्ठी तिथि में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से मान सम्मान की वृद्धि होती है और सफलता प्राप्त होती है। सप्तमी तिथि में सुबह जो अर्घ दिया जाएगा वो उनकी पत्नी उषा को दिया जाएगा। सुबह का अर्घ देने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के समय सूर्य की आराधना करने से रोग मिटते हैं। दोपहर को सूर्य उपासना करने से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय सूर्य उपासना करने से जीवन में संपन्नता आती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सूर्य को उपासना करने से मुकदमे में भी लाभ मिलता है, आँखों की रोशनी तेज होती है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, पेट ठीक रहता है, परीक्षा के परिणाम अच्छे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को अर्घ देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, अरे विटामिन D ठीक हो जाती है। आज 90% लोगों को शरीर दर्द की बीमारी है, और विटामिन D का जांच करवाने जाइए तो विटामिन D ही कम निकल रही है, इसलिए कि हम सूरज की रोशनी में सूर्योदय के समय निकल ही नहीं रहे हैं। पता लगा कि कुछ लोग तो सूर्योदय देखे सालों हो गया है, सोकर 8 बजे 9 बजे उठते हैं,
उनसे अगर कहिए कि सूर्योदय के समय उठिए तो कहेंगे कैसे पंडित जी, 11 बजे तो मैं ऑफिस से आता ही हूँ, सोते सोते 1 बज जाता है तो कैसे 6 बजे उठ पाऊँगा, आप ही बताइए। तब आप विटामिन डी कहाँ से पाएंगे, वो तो सूर्य की किरणों से मिलता है और वो भी उदय होते हुए सूर्य की किरणों से मिलता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य का वैदिक मंत्र है, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन प्लीज मेरे कहने से जरूर कर दीजिए सूर्योदय के समय। मैं चाहता हूँ कि भारत का हर नौजवान उगते हुए सूरज की तरह तेजस्वी हो। मैं चाहता हूँ कि भारत की धरती से दुख, दरिद्रता, अभाव सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। और अगर इसको नष्ट करना है तो सिर्फ सरकारी उपायों से नहीं नष्ट किया जा सकता, इसको ईश्वरीय कृपा से नष्ट किया जा सकता है। और ईश्वरीय कृपा है सूर्य की उपासना। सूर्य की उपासना करने से जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, और जब आप उत्साह के साथ सभी कार्यों को संपूर्ण करेंगे तो आपका रोग समन होगा। और निरोगी लोग एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं समस्त अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, शंकर जी की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, विष्णु की पूजा, दुर्गा की पूजा, काली की पूजा करिए न करिए कोई बात नहीं, लेकिन धरती के प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर ओम घृणी सूर्याय नमः। तो सूर्य की उपासना अगर आप करना शुरू कर देंगे और कभी भगवान ने चाहा हमसे आपकी मुलाकात होगी तो आप पहली बात यही कहेंगे कि पंडित जी सूर्य उपासना का चमत्कार कलयुग में वाकई में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी, जय हो छठी मैया, यही हम कह रहे हैं। और लगातार आपको छठ की महिमा के बारे में बता रहे हैं, सूर्य उपासना की महिमा के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विजेंद्र जी हैं दिल्ली से, स्वागत है विजेंद्र जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित जी मेरा नाम विजेंद्र कुमार जैन है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 71 साल है, मुझे अपनी बेटी शिल्पी जैन पालव और दामाद के बारे में पूछना है। पिछले 2.5 साल से वो नॉर्वे में है, मेरी बेटी की जॉब और भविष्य और मेरे दामाद जिनकी जॉब ट्रांसफर हो चुकी है नॉर्वे में, वो कब तक वहाँ रहेंगे और उनकी मेरी बेटी की जॉब लगेगी या नहीं, भविष्य कैसा है उनका। ब्रजेंद्र बाबू देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है और उससे दशम भाव का स्वामी भी बुध है, बुध इस समय अस्त हुआ पड़ा है। अभी तो बेटी के हाथ में नौकरी नहीं है, अभी तो बेटी थोड़ी सी आर्थिक तंगी में भी चल रही है। और ब्रजेंद्र जी ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आपके दामाद भाव का स्वामी चंद्रमा है जो इस समय धनु राशि में है, वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गया है, अभी शीघ्र ही इनका स्थान परिवर्तन हुआ है जिसके कारण ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। आप इनको बताइए कि स्थानांतरण की जगह पर जा करके ज्वाइन करें, 17 जनवरी 2023 के बाद फिर इनके जीवन में अच्छा होगा। बेटी के नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि दिसंबर के महीने के अंत में और जनवरी के शुरुआत में वो रोजगार परक हो जाएगी। उसको कहिए कि रोज श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ किया करे, रोज श्री सूक्त कनक धारा स्त्रोत का पाठ किया करे। और अगर दुर्गा सप्तशती की किताब नॉर्वे ले गई है तो ठीक, नहीं तो उसे बताइए कि गूगल से देवी अष्टोत्तर सतनाम एक स्त्रोत है, उसको डाउनलोड कर ले और उसका रोज पाठ किया करे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों के अंदर उसके जीवन में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो छठ पर अर्घ का बहुत महत्व है और इसीलिए पंडित जी आपको राशिवार बता रहे हैं कि अर्घ कैसे देना है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि वाले लोग छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें, कैसे उपासना करें और दान में क्या दें, जानते हैं पंडित जी से। जी, मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं जो छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल के साथ दुर्वा दूब घास लाल फूल मिला लीजिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए,
थोड़ी सी रोली डाल दीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। गाय को हरा चारा खिलाना मत भूलिए। तिल का दान करिए, मूंग के दाल की खिचड़ी बना करके गरीबों में बांटिए। ये सारा उपाय मिथुन राशि के जातकों के भाग्योदय में सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं कि छठ पर उन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप चंद्रमा आपका राशि स्वामी है और सूर्य चंद्रमा ये दोनों सबसे प्रमुख ग्रह हैं इस सृष्टि के। सूर्य जहाँ दिन का राजा ग्रह है, वहीं चंद्रमा रात का रानी ग्रह है। तो ऐसे में सूर्य और चंद्रमा, खास करके कर्क राशि का जातक जब सूर्य की उपासना करता है, विश्वास करिए गजब अजब परिणाम मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी बाईं आँख के ऊपर जो है वो प्लानर पॉइंट है और दाहिनी आँख के ऊपर क्रिएटिव पॉइंट है। बाईं आँख के ऊपर योजना चक्र है, दाहिनी आँख के ऊपर क्रिएटिव मतलब निर्माण चक्र है। तो कहने का मतलब जो लोग कर्क राशि में पैदा होते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे योजनाकार होते हैं। और वो लोग योजना करें या ना करें, अगर सडन उन्हें कोई कार्य करने के लिए कह दिया जाए तब भी वो अपने स्वतः की बुद्धि से कार्य को अच्छा परिणाम दे सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, कर्क राशि के जातकों की विलक्षण प्रतिभा आपको देखने को मिलेगी। भगवान राम भी कर्क राशि के थे, श्रीमती इंदिरा गांधी कर्क राशि की थी, और बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अत्यंत प्रतिभाशाली थे और कर्क राशि के थे। तो कर्क राशि के लोगों को जो उपाय मैंने बताया है, इस तरह से आप अगर छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ देंगी तो निःसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आप भले कम पढ़ी लिखी हों, लेकिन आपके निर्णय लेने की क्षमता को लोग मानेंगे, उसका लोग लोहा मानेंगे। आप कम पढ़ी लिखी होकर के भी बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देंगी और आपके निर्णय के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो छठ के महापर्व पर कैसे करनी है सूर्य उपासना, जिससे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और हर परेशानी दूर हो, इसके बारे में पंडित जी से आगे भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए छठ स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आज पंडित जी आपको छठ पर्व के वो महा उपाय बता रहे हैं जिनसे आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी और मिलेगा आपको छठी मैया का पूरा आशीर्वाद। तो चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि घर से हर टेंशन को दूर करने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए छठ पर्व पर क्या करें, कुछ खास उपाय। पंडित जी कुछ खास उपाय बताएं जो व्रती हैं उनके लिए भी और जो इस पर्व में शामिल होते हैं उनके लिए भी। देखो, पहली बात तो ये जान लो, एकस्त तद्भूनारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा। ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोधित होने पर उन लोगों के शरीर से जो तेज निकला वो जाकर अंतरिक्ष में एक पिंड का रूप लेकर के और एक बहुत बड़ी नारी का रूप धारण कर लिया। एकस्थ तद्भू नारी, और कैसी नारी? व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, जिसने तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। फिर देव, और कहाँ वो प्रकट हुई? कात्यायन ऋषि के आश्रम में। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने अपना स्वरूप छोटा किया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन देवी को प्रदान किए और कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के नाते उन देवी का नाम कात्यायनी देवी पड़ा और वही देवी हैं छठ मैया। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो देवी अकाल मृत्यु से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, सब प्रकार के तनाव से बचाती हैं, दुर्गति से बचाती हैं। छठ पर्व पर बरगद आंवला या श्यामा तुलसी का एक पौधा हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, हर सनातन धर्मी को लगाना चाहिए। आज शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद अगर आप पौधा लगाते हैं और पौधे के पास चौमुखी सरसों के तेल का दिया जलाते हैं
तो आप विश्वास करिए आप बहुत बड़े यज्ञ जैसा फल प्राप्त करेंगे। अखंडित चावल परिवार वालों के सिर से फेर कर दीपक में थोड़ा सा डाल सकते हैं दो दाने। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7 बार भी अगर जप कर लिया जाए तब भी सूर्य देव की कृपा निरंतर बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। छठ पर्व है तो हर एक राशि के लिए पंडित जी बता रहे हैं कि उन्हें अर्घ कैसे देना है, क्योंकि अर्घ का बहुत महत्व है इस पर्व में। आइए सिंह राशि वालों की हम बात कर लेते हैं कि छठ पर इन्हें सूर्य को कैसे अर्घ देना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। जी पंडित जी, सिंह राशि वाली महिलाएं जो छठ व्रत कर रही हैं वो छठ पर्व में लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल और तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दें। देखिए छठ पर करने वाली सूर्य सिंह राशि की महिलाओं से कहना चाहता हूँ, आप विशेष सावधानी से पूजा पाठ करिए, क्योंकि आपके पूजा पाठ की नकल लोग करते हैं। आप सिंह राशि की महिला हैं, कोई आप साधारण महिला नहीं हैं। सारी महिलाओं के बीच में आप जरा अपने को देखिए रख करके, आपका वर्चस्व कैसे जल्दी बन जाता है, आपको मान सम्मान कैसे ढेर सारा मिलता है, आपकी निर्णय क्षमता कैसे अच्छी रहती है, ये गॉड गिफ्ट है क्योंकि आपकी सिंह राशि है। तो छठ पर्व में तिल, गुड़, गेहूं, कंबल और सोना ये अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सिंह राशि की महिला हैं तो चाहे शरीर न साथ दे रहा हो लेकिन आलस्य बिल्कुल मत करिएगा और इस कठिन व्रत को कठिनाई से ही पूरा करिएगा, क्योंकि आपको देख करके दूसरे लोग नकल करने वाले हैं। आपने जरा सा भी लापरवाही की तो व्रत में विसंगति दूसरे लोग पैदा करना शुरू कर देंगे। इसलिए आप आदर्श बनने के लिए कुर्बानी तो देना पड़ेगा, आदर्श बनने के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। आपको आदर्श बनना है इसलिए इस कठिन व्रत को कठिनता से पालन करिएगा। बाकी माता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मेरी शुभकामना है कि आपका व्रत ठीक से पूरा हो। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वाले अगर छठ पर्व में शामिल हो रहे हैं या व्रत रख रहे हैं तो उन्हें सूर्य को कैसे अर्घ देना है और क्या दान में देना है पंडित जी बताएंगे। जी कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, जो कन्या राशि की महिलाएं हैं छठ का व्रत कर रही हैं उन सभी महिलाओं को चाहिए कि छठ पर्व में दुर्वा, लाल फूल मिलाकर सूर्य को अर्घ दीजिएगा। 3 बार में अर्घ दीजिएगा। ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायण आय नमः, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायण आय नमः, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायण आय नमः। और 3 बार अर्घ देने के बाद गाय को चारा खिलाइएगा, मूंग की दाल की खिचड़ी गरीबों में बांटिएगा, तिल, कंबल, तेल या उड़द की दाल का यथासंभव दान करिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, दीपक हैं अलवर राजस्थान से। दीपक जी स्वागत है, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, मैं दीपक अलवर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1996, मेरे विवाह का योग कब तक है? रात 9 बजे। और मेरा भाई है पंडित जी जो मेहनत बहुत करता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1999, उसकी सरकारी नौकरी का योग कब तक है? देखो दीपक बाबू, आपने जो प्रश्न किया है तो प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव विवाह भाव का स्वामी बुध दोनों छठे आठवें संबंध बना रहे हैं और बुध अस्त है। अभी आपके विवाह का दूर दूर तक हमें कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। 20 अप्रैल 2023 के बाद आपके विवाह के संयोग बनने शुरू होंगे और ये संयोग जनवरी 2024 तक चलेगा। इसलिए अभी आपके विवाह में जल्दबाजी नहीं है और आपको भी घबराना नहीं चाहिए, विवाह आपका अच्छा होगा, लेकिन अभी अप्रैल 2023 तक कोई संभावना नहीं। जय माँ विंध्यवासिनी। पितृ दोष, राहु केतु दोष और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए छठ पर्व में पूजा सामग्री में लोग कुछ चीजें जोड़ सकते हैं वो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी कुंडली में भी अगर जिसका सूर्य बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है या अच्छा दोष उसे दे रहा हो कुंडली में, क्या उन लोगों के लिए भी इस पर्व में कुछ विशेष है पूजा अर्चना में ध्यान रखने योग्य? 3 बातें तुम्हें बता रहा हूँ अभिलाषा, जो हमारे सभी दर्शकों को सुनने में आ जाएगी। बहुत बात सुने होंगे लेकिन ज्योतिष की इतनी गूढ़ बात शायद सुनी होगी। आपके कुंडली में 1 करोड़ राजयोग हों और आपकी कुंडली में सारे राजयोग भरे हुए हों, केवल सूर्य
तुला राशि के 10 अंश पर हो, जो हर साल 28 या 29 अक्टूबर को होता है। सूर्य तुला राशि के 10 अंश पर हो तो ऐसा जातक राजकुल में भी जन्म पाकर भिक्षा मांग करके भोजन करता है। मतलब सूर्य का नीचांशक में होना सारे राजयोग को नष्ट कर देता है। पहली बात आपके माध्यम से दर्शकों तक जाए। ज्योतिषी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बड़े उतावले हो जाते हैं, हाँ 3 ग्रह उठ चुके हैं, 2 ग्रह उठ चुके हैं, एक ग्रह अच्छा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। आप सारे ग्रहों की प्राण, सारे ग्रहों की आत्मा सूर्य है। आप सूर्य को देखिए, कहीं तुला राशि के ठीक 10 डिग्री पर तो नहीं है? अगर हाँ है तो सारे राजयोग निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी तरह से दो बातें और जान लीजिए, यदि सूर्य नीच राशि और नीचांशक में है तब भी सारे राजयोग निष्फल हो जाएंगे। और तीसरी बात, अगर सूर्य आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है और शनि आपके कुंडली के अष्टम भाव में है, तब भी आप कुबेर के बेटे होंगे, तब भी भिक्षा मांग करके ही भोजन करना पड़ेगा। ये 3 ऐसे योग हैं जो जब जन्म कुंडली में बन जाएं तो जैसे कैंसर के पेशेंट को बार बार कीमो चढ़ाने पर भी नहीं बचाया जा सकता है, उसी तरह से ऐसे लोगों को उपायों से भी राहत नहीं मिलती है। पितृ दोष, राहु केतु दोष और शनि दोष से मुक्ति के लिए छठ पर्व में पूजा सामग्री में लौंग के 7 जोड़े रखिए। ओम संघ सनश्चरायनमय इस मंत्र का जप करके 1-1 जोड़ा लौंग अपने सूप में रखते जाइए। ये सारे ऐसे कर्मकांड हैं जो आपको सुख और संपन्न से युक्त बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के तुला राशि वालों को सूर्य को अर्घ देते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और दान में वो क्या दें व्रत के बाद। जी पंडित जी, तुला राशि के लिए बताएं। देखिए, तुला राशि सूर्य देव की नीच राशि है। तुला राशि वाली महिलाएं जो छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, सफ़ेद चंदन घिस करके, दूध थोड़ा सा गाय का, चावल थोड़ा सा, तिल मिला करके सूर्य को श्रद्धापूर्वक अर्घ दें। अर्घ देने के बाद तेल, रुई, कपड़ा और राई जरूरतमंद व्यक्ति को दान करेंगी तो इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको सूर्य को अर्घ देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और दान में क्या देना चाहिए, ये पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो पहली बात तो ये है कि वृश्चिक का मतलब ही होता है बिच्छू। वृश्चिक राशि की महिलाएं भी साधारण नहीं होती हैं। अगर आप वृश्चिक राशि की महिला हैं और व्रत कर रही हैं तो छठ पर्व में लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल और तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा। अर्घ देने के बाद जितना आपकी सामर्थ्य हो गरीबों को खिचड़ी खिलाइएगा, गुड़ और कंबल का दान गरीबों को करिएगा। इससे आपका आने वाला समय माँ छठी मैया की कृपा से उत्तम हो जाएगा और आपका घर संसार खुशियों से भर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहते हैं कि राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए और किसी बहुत ही गंभीर बीमारी से बचने के लिए भी छठ पर्व में कुछ खास उपाय करते हैं जो कि रामबाण साबित होते हैं। पंडित जी, उसके बारे में बताइए। हाँ, चाहे जितनी गंभीर बीमारी हो, गंभीर से गंभीर रोग हो या राहु केतु का बहुत कोप हो, उस दोष को नष्ट करने के लिए छठ पर्व पर दाहिने हाथ में काली मिर्च लेकर के आज शाम को सूर्य को जल से अर्घ देकर उसको भी चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। जल में ही खड़े होकर के आप 21 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। अर्घ देने के बाद 21 बार बोलिए, आप देखिए। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनका बुखार ज़्यादा दिनों से चल रहा है, जिनका बुखार नहीं छोड़ रहा है। 6 महीने हो गए हैं लेकिन बुखार हर समय 99 के ऊपर बना रहता है, मुंह में थूक नहीं बनता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, ऐसे लोगों के लिए ये सूर्य का व्रत। और हाँ, धतूरे की जड़, आज छठ है ना, तो आज धतूरे की जड़ खोद करके अगर किसी को ज़्यादा दिनों से बुखार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो धतूरे की जड़ थोड़ी सी खोद करके
उसे काले कपड़े में सिल करके और कमर में बांध लेने से निसंदेह बुखार के रोग में भी राहत मिल जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो प्रत्येक राशि को पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे आज अर्घ देना है सूर्य को छठ में। तो आइए हम धनु राशि की भी बात कर लेते हैं कि छठ पर्व पर उन्हें सूर्य को अर्घ कैसे देना है और अगर व्रत किया है तो दान में क्या देना है। जी पंडित जी, तो धनु राशि की महिलाएं जो छठ का व्रत कर रही हैं उन्हें बताना चाहूँगा, लोटे में जल, हल्दी, केसर, पीले फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को श्रद्धापूर्वक अर्घ दीजिएगा। तिल और चने की दाल का दान जरूरतमंदों में करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जागने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेड पर रहने की कोशिश मत कीजिएगा, आराम करने की कोशिश ज़रूर करिएगा लेकिन सोने की कोशिश मत करिएगा। और सूर्य का ये पावन पर्व है इसके लिए भगवान सूर्य के मंत्रों का यथासंभव जप भी करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज छठ पर्व पर कैसे दे सूर्य को अर्घ, क्या करें दान और कौन से उपाय करें जिससे इन्हें मिले छठी मैया का आशीर्वाद, जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए छठ स्पेशल कालचक्र। जय हो छठी मैया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें, किन बातों का ख्याल रखें और दान में क्या दें, पंडित जी बताएंगे। देखिए, मकर राशि की जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं और आज सायं अर्घ देंगी, उन्हें चाहिए तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा, उसमें सफ़ेद तिल मिला लीजिएगा, हो सके तो रोली और लाल फूल भी मिला लीजिएगा और सूर्य को तीन बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ दीजिएगा। ज़रूरतमंदों में किताब, तेल और ऊनी कपड़े दान करिएगा, निसंदेह इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आप कुंभ राशि के हैं और सोच रहे हैं कि आपको सूर्य अर्घ देते वक्त क्या अर्पण करना है, क्या दान करना है, तो वो पंडित जी बता देंगे। जी पंडित जी, देखिए अगर आप कुंभ राशि की महिला हैं और सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष कुंभ राशि के ही होते हैं धरती पर, ये भी बात आप मेरी मान लीजिए, चलिए धरती अगर मेरे मुँह से गलत निकल गया है तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर स्त्री और पुरुष पाए जाते हैं वो कुंभ राशि के। अगर आपको विश्वास न हो तो अपना मोबाइल उठाइए और अपने मोबाइल के कांटेक्ट में जाइए और कांटेक्ट में जा करके आप यस दबाइए और यस पर कितने नाम हैं ये देख लीजिए और बाकी अक्षरों पर कितने नाम हैं ये देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जो महिलाएं छठ व्रत कर रही हैं, छठ पर्व में लोटे में जल, काली उड़द, सरसों का तेल, नीले फूल और तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दें। तिल, साबुन, कपड़े, कंघी और अन्न का दान करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब 12 राशियों में आखिरी राशि मीन राशि, वो छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें और क्या दान करें, पंडित जी बताएं। देखिए मीन राशि की महिलाओं से कहना चाहूँगा कि यदि आप व्रत कर रही हैं तो छठ पर्व में लोटे में जल, हल्दी, केसर घिस करके, सफ़ेद तिल मिला करके सूर्य को श्रद्धापूर्वक अर्घ दीजिएगा। तेल, साबुदाना और कंबल का दान किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जो लोग किसी भी वजह से छठ का व्रत नहीं कर पाए हैं वो लोग आस्था के इस पर्व का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए छठ स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। तो जो लोग छठ का ये कठिन व्रत नहीं रख सकते हैं, बीमार हैं या उम्र हो चुकी है, ऐसे लोगों को छठ पूजा करने वाले हो जितना ही लाभ मिल सके इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, पंडित जी। कई लोग व्रत नहीं रख पाते हैं लेकिन आस्था उनके मन में बहुत होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए सूर्यदेव को मनाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। देखो ऐसा अभिलाषा शास्त्रों में कहा गया है, भगवान राम कहते हैं
मोटे अधिक संत करी लेखा, हमसे ज्यादा हमारे भक्तों की इज्जत करो। सबरी से कहते हैं, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्ह देखई परदोषा, नवम सरल सब संसंजीना, मम भरोस ही हरसन दीना। अर्थात हमसे ज्यादा हमारे भक्तों की इज्जत करिए। भगवती दुर्गा कहती हैं कि जो लोग हमारे साधना करने वाले भक्तों की सेवा शुश्रूषा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, मैं उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न होती हूँ। अर्थात जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं या दुर्गा की उपासना करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला जो व्यक्ति है वो व्रती से ज़्यादा भी पुण्यात्मा है और उसके ऊपर देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं, उसकी मनोकामना पूरी करती है। इसी तरह से छठ में भी बता रहा हूँ, यदि आप छठ व्रत इतना कठिन व्रत है नहीं कर पाते हैं, शारीरिक अस्वस्थता कारण है, तो इस बार किसी कारण से अगर छठ का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो उनको छठ के व्रत से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए ये जानिए। आज से कल तक पहली बात तो सात्विक भोजन करिएगा, लहसुन प्याज भी मत खाइएगा। अपने घर में ठेकुआ जरूर बनाइएगा। ये एक ऐसा शब्द है ठेकुआ जो पूरे भारत में इस समय बोला जाता है, और ठेकुआ जो है ये बिहार का एक शब्द है। ठेकुआ एक प्रकार का प्रसाद व्यंजन है जो गेहूं के आटे से या फिर मैदे से घी में बना करके, गुड़ और घी में बना करके उसको तल करके बनाया जाता है, और वो 15-15 दिनों तक खराब नहीं होता है। प्रसाद के रूप में वो बांटा जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध है, इसी को ठेकुआ कहते हैं। जो लोग छठ व्रत नहीं देखे हैं नज़दीक से या उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनके लिए ठेकुआ शब्द जो है वो काफ़ी अबूझ पहेली है। इसलिए ठेकुआ शब्द का क्या अर्थ है ये मैंने आपको बताना जरूरी समझा। ठेकुआ जरूर बनाइए और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। भगवान सूर्य को लोटे में जल और गुड़ डाल करके अर्घ दीजिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। सूर्य को नारियल फल, मिठाई और लाल चंदन अर्पित करिए। छठ करने वाले की सेवा या सहायता करने से छठ व्रत का लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप छठ व्रत करने वाले की सेवा शुश्रूषा और सम्मान करेंगे तो छठी मैया आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बना कर रखेंगी और आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो छठ व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। लेकिन छठ व्रत करने वालों के मन में, जिनके मन में सम्मान नहीं होता है, जो लोग छठ व्रत करने वालों का उपहास करते हैं, जो लोग छठ व्रत करने वाले को नीचा दिखाते हैं या छठ व्रत करने वाले का नुकसान करना चाहते हैं, ऐसे में माँ कात्यायनी कुपित होकर के ऐसे लोगों का बहुत नुकसान कर देती है। इसलिए छठ व्रत करने वालों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जैसे पंडित जी ने कहा कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो जो व्रती है उसकी सहायता करें। आज तो प्रसाद बनेगा, प्रसाद बनाने में उनकी मदद करें, और ये अपने आप में ही बहुत अच्छा मौका होता है जब हम लोगों से जुड़ते हैं और त्यौहार का आनंद उठाते हैं। चलिए कॉलर जल्दी से हम जोड़ लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है। जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं मनीषा बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ से। सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म तिथि है 30 अगस्त 1995 दिन बुधवार। एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आप अपना फिर से नाम बताइए और जरा धीरे धीरे बोलिए, जोर से बोलिए। नाम है मनीषा। क्या नाम है? मनीषा। मनसा? मनीषा। मनसा? मनीषा। मनीषा जी। मनीषा जी। डेट ऑफ बर्थ? 30 अगस्त 1997 जी। क्या जानना चाहती हो मनीषा? मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ और अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सूर्य और शनि की स्थिति अभी चतुर्थदशम बनी हुई है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखमय रहेगा, कोई चिंता फिक्र करने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत कर डालिए। वैभव लक्ष्मी के 16 बृहस्पति शुक्रवार व्रत करने से आपके वैवाहिक जीवन में 4 चांद लग जाएगा और आपका भविष्य अच्छा रहेगा मनीषा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, छठ जो है वो लोकाचार के साथ मनाया जाता है और कई लोग बहुत डरते भी हैं कि छठ में कोई छोटी सी भी गलती बहुत पाप लेकर आएगी, या सही है एक डर है। हाँ। तो कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए? पहली बात तो छठ पर्व का व्रत करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्रशंसा के लिए या झूठी वाहवाही के लिए
स्वयं झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, छठ व्रत करने वाले दूसरे छठी व्रत करने वाले को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि किसी प्रकार के तामसी चीज़ों का और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन होना चाहिए। इन तीन दिनों में अगर ब्रह्मचर्य भंग हुआ तो समझ लो अनर्थ हो गया। ये तीन दिन का तप है, तीन दिन का ये बहुत बड़ा तप है। और मनसा वाचा कर्मणा तीनों दिन सत्य और सत्य ही संभाषण करना चाहिए, और अपनी भूख से ज़्यादा दूसरे की भूख को महत्व देना चाहिए, और किसी प्रकार के हिंसक कार्य में सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने छठ का व्रत किया और किसी हिंसक कार्य में जाने अनजाने में आपने सहयोग कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका व्रत करना बेकार है, बल्कि छठी मैया कुपित होकर के आपको कुफल भी दे सकती है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रियांशी है। स्वागत है प्रियांशी जी आपका कालचक्र में, पूछिए अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहो बेटा। मैं प्रियांशी बोल रही हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1996। पंडित जी मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रियांशी तैयारी करो UPSC की, और मुझे पूरा विश्वास है 101% कि तुम सक्सेस करोगी UPSC में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तुम 26 साल की हुई हो, 27वें साल से तुम्हारे सफलता के कदम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और अगर तुम मेहनत करो तो पास होना बड़ी बात नहीं, मेरिट में भी आ सकती हो। लेकिन अभी जितनी मेहनत कर रही हो इस मेहनत में कम से कम 25% मेहनत और करने की ज़रूरत है। और हाँ, सूर्य की उपासना करना शुरू कर दो। सूर्योदय के समय चाहे जैसे उठ करके सूर्य को जल दे करके 108 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दो, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक बार पढ़ा हुआ विषय तुम्हें याद हो जाएगा। और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ याद कर लो, रोज़ सुबह शाम उसका पाठ कर लिया करो, और सफ़ेद कागज़ पर 8 कागज़ पर वो जो गणेश अथर्व शीर्ष है उसको लाल कलम से स्केच पेन से लिख करके और लेमिनेशन करवा करके 8 ब्राह्मणों को 10-10 रुपया और वो एक एक पन्ना कागज़ पूजा पाठ करने वाले लोगों को रविवार के दिन दान कर दीजिए। ऐसा करने से ही आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा और आप वही तैयारी करेंगी जो परीक्षा में आपको आने वाला है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज आपने छठी मैया की महिमा, सूर्य उपासना का महत्व, ये सब कुछ हमें बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि छठ पर्व उसी अनुसार सारे लोग मनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आपको छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।